आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। दो दिवसीय दौरे पर अपने गृह जनपद पहुँचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विभिन्न कार्यक्रम में हुए शामिल। गोरखनाथ मंदिर में करेंगे रात्रि विश्राम। युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की 53वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि समारोह में गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रस्तुत की अपनी भाव अभिव्यक्ति। कहा, विरासत के प्रति कृतज्ञता का भाव सनातन धर्म संस्कृति की है विशेषता, जड़ चेतन के बेहतर समन्वय से चलता है जीवन। मंगलवार को एसटीएफ उत्तर प्रदेश की गोरखपुर फील्ड इकाई ने रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित ग्रुप डी की ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल करने वाले संगठित सॉल्वर गैंग के 4 सक्रिय सदस्यों को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। प्रदेश के ऊर्जा राज्य मंत्री एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग डॉक्टर सोमेंद्र तोमर मीडिया से हुए रूबरू। कहा, योगी सरकार में हुआ है व्यापक परिवर्तन। सभी जिलों में 12 सितंबर से लेकर 19 सितंबर तक चल रहा है 1 सप्ताह का समाधान अभियान। शहीद रविंद्र सिंह की स्मृति में प्रतिभा सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। कैसरगंज के सांसद एवं भारतीय कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने जिले के सभी ब्लॉकों से करीब 800 टॉप 10 छात्र छात्राओं को किया सम्मानित। छात्र छात्राओं से कहा, अपना तय करो लक्ष्य, बनो गंभीर, अपने आप से करो बात कि कैसे करें अपनी समस्या का निदान, बनो देश का जिम्मेदार नागरिक। युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ और राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की पुण्य स्मृति में संगीतमय श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ का हुआ विश्राम। मुख्यमंत्री एवं गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने कहा, सत्याग्रही सनातन धर्म की अटूट आस्था है प्रभु श्री राम। सकारात्मकता के साथ सत्य की राह पर चलने की प्रेरणा देती है श्री राम कथा। गोरखपुर के पहले हाईटेक हेल्थ एटीएम का बुधवार को शुभारंभ करेंगे सीएम योगी। शुरुआती चरण में जनपद में लगेंगे 5 हेल्थ एटीएम। महज 1 सैंपल में हो सकेगी 59 जांचें। दो शातिर वाहन चोर मनीष रावत और काशिम को रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। 1 मोटरसाइकिल व 1 स्कूटी किया बरामद, भेजा जेल। और गोरखपुर फुटबॉल एसोसिएशन के तत्वावधान में चल रहे गोरखपुर फुटबॉल लीग प्रतियोगिता के 6वें दिन गौतम स्पोर्टिंग ने केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 को 2-0 से हराकर किया अंक हासिल। फुटबॉल एसोसिएशन के जिला सचिव हमजा खान ने दी जानकारी।